सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस एक गुड न्यूज आ चुकी है, एमएसटी सीईटी ने आपका टेंटेटिव शेड्यूल रिलीज कर दिया फॉर द कैप राउंड प्रोसेस। अभी आप सभी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से शुरू होगा उसके ऊपर पूरा आपका नोटिस प्रोवाइड कर दिया है। अभी इस वीडियो में हम यही देखेंगे आपका शेड्यूल क्या रहेगा, आपके आने वाला एडमिशन फ्लो चार्ट क्या रहेगा, जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट, ये किस तरीके से फ्लो चार्ट रहता है इसके ऊपर भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शॉर्ट रहेगा तो प्लीज एंड तक देखना। एंड गाइज अगेन हमारे ऐप डाउनलोड करके रख दो, ऐप पे आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स का आपको 2 से 3 सेट बना के रखना है, ओरिजिनल सेट बना के रखना है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसका पूरा डिटेल आपको मैंने हमारे ऐप पे प्रोवाइड कर दिया है, प्लस आपको फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर दिया, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कैसा दिखता है, कास्ट वैलिडिटी कैसा होता है, डोमिसाइल कैसा होता है, सबके फॉर्मेट भी वहां पे अपलोडेड है। तो हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करके रखो, ऐप पे आपको सारी चीजें मिलेगी, ऑफिशियल कट ऑफ भी अपलोडेड है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइज। सो गाइज आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर यू ऑल। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो ये कॉलेज दोस्त की एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट के लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका कॉलेज प्रिडिक्टर आ जाएगा, यहाँ पे आपने आपको परसेंटाइल आपको इनपुट करने हैं, परसेंटाइल डालने के बाद नीचे आपको सीट टाइप सेलेक्ट करनी है कि आपकी सीट कौन सी है, स्टेट लेवल है, होम यूनिवर्सिटी है या अदर देन होम यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और फिर आप यहाँ पे ब्रांच पे भी फिल्टर लगा सकते हो कि आपको कौन सी ब्रांच में इंटरेस्ट है। उसके बाद आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपके लिए कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है, आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो थ्रू कैप राउंड। एंड गाइस वन मोर थिंग, आप सभी के लिए एमएचटी सीईटी का चैटबॉट भी है, चैटबॉट के भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। जैसे आप चैटबॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख सकता है, यहाँ पे आपको चीजें इनपुट करते जाना है, आपको रिप्लाई आते जाएगा। आपको टॉप यूनिवर्सिटीज जानने उसकी लिस्ट मिल जाएगी, मुंबई के कॉलेज जानने उसकी लिस्ट मिल जाएगी, अभी एमएचटी सीईटी में क्या अपडेट्स चल रहा है उसकी लिस्ट मिल जाएगी। सो गाइज एक्सप्लोर दिस मटेरियल, आपके सारे लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में पिंड है। सो गाइस फाइनली अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो अभी हम सीटीसेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। जैसे आप वेबसाइट पे नीचे स्क्रॉल करोगे आपको रिगार्डिंग नोटिस दिख जाएगा, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द कैप राउंड स्टार्टिंग डेट्स। तो आपको यहाँ पे आपका कैप राउंड का स्टार्टिंग डेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अभी हम देखते हैं कि आपका एमएचटी सीईटी पीसीएम एंड पीसीबी ग्रुप का स्टार्टिंग की डेट्स क्या है। अभी आप लोग स्क्रीन पे देखो फॉर दी PCM BE BTech के लिए स्टार्टिंग की डेट से वो है आपका 10th of July। सो 10th July से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का स्टार्टिंग डेट हो जाएगा। सो 10th July से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। अभी रजिस्ट्रेशन के बाद क्या रहता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट 10th July आपको याद रखना है, 10th July से आपका BE BTech का शुरू हो रहा है। एंड बी फार्मेसी आपका जो फार्मेसी के लिए एडमिशन है, बी फार्मेसी एंड फार्म डी के लिए, वो 11th July से शुरू होगा। सो एक दिन का गैप है दोनों में, बट दोनों का 10th and 11th July से शुरू हो जाएगा टेंटेटिवली। अभी हम डिस्कस करते हैं एडमिशन फ्लो चार्ट क्या होता है। अभी क्या करना है आपको, हमारी कॉलेज सिंप्लीफाइड की वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे आप वेबसाइट पे आओगे कॉलेज सेक्शन में जाना, यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी दोनों को देखने को मिल जाएगा। अभी फ्लो चार्ट दोनों का सेम ही रहता है। अभी आप स्क्रीन पे देखो अभी फ्लो चार्ट में आपका पूरा डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले आप सभी का एमएचटी सीईटी का रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद अभी 10 तारीख से आपका एमएचटी सीईटी कैप का फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगा। 10 तारीख से फॉर्म फिलिंग शुरू होगा, 11 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो, ऑफलाइन भी करवा सकते हो, बट मेजरली सभी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन जाना है। ऑफलाइन 1 से 2 घंटों में हो जाता है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन विल टेक ऑलमोस्ट 5 to 6 days। 5 to 6 days लगते हैं, तो अगर आप में पेशेंस हो, अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो फिर आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन में जाओ, बट अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से ही हो तो आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन में जाना। आपके आसपास बहुत सारे स्क्रूटिनी सेंटर्स होंगे तो वो स्क्रूटिनी सेंटर्स में आपको जाना है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट पहले प्रोविजनल आएगी, उसके बाद आप कोई चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद आता है प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग फॉर कैप राउंड। अभी उसके बाद आपका जैसे मेरिट लिस्ट आ गई ना, उसके बाद कैप राउंड 1 शुरू हो जाता है, उसके नेक्स्ट डे ही आपका कैप राउंड 1 शुरू हो जाएगा। कैप राउंड 1 में आपको 3 से 4 दिन मिलेंगे टू प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करने के लिए, अपना कॉलेज का ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने के लिए। फिर आपने ऑप्शन फॉर्म भरा, फिर उसका अलॉटमेंट आएगा, आपको कोई ना कोई कॉलेज का अलॉटमेंट आएगा। उसके बाद वापस आपके पास ऑप्शन होंगे, फ्रीज करो या फिर बेटरमेंट करो। अगर आप बेटरमेंट में जाओगे तो फिर आप आगे फर्दर कैप राउंड में प्रोसीड कर सकते हो, बट अगर आपने फ्रीज किया तो फिर आपको वो कॉलेज में इन द नेक्स्ट 3 to 4 days में विजिट करके फर्स्ट ईयर की फुल फीस पे करके आपको वहाँ पर एडमिशन सिक्योर करना पड़ेगा।
आपको कैप 3 तक बेटरमेंट में जाना है, सेम प्रोसेस रहेगा, वापस कैप 2 का अलॉटमेंट होगा, फ्रीज एंड बेटरमेंट, वापस से आपके पास ऑप्शन रहेगा, वापस बेटरमेंट में जाओगे, फिर कैप राउंड 3 होगा। कैप 3 में आपको जो भी कॉलेज मिलेगा वो आपको कंपलसरी लेके ही रखना है, वहाँ पे ऑटो फ्रीज हो जाएगा कॉलेज। तो कॉलेज में जाके आपको फर्स्ट ईयर की फी पेमेंट करके वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेके रखना है, जो भी आपको कैप राउंड 3 में मिलेगा। फिर वहाँ से आपकी कैप प्रोसेस एंड होती है, उसके बाद आपके इंस्टीट्यूशनल राउंड, उसके बाद आपके कैप स्पॉट राउंड, वैकेंसी राउंड शुरू होते हैं, उसके ऊपर हम आपको कंप्लीट अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख देना, एंड अगेन आई एम सेइंग, नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, सारी अपडेट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। सेकेंडली हमारा ऐप डाउनलोड करो, ऐप के ऊपर स्पॉट राउंड के कट ऑफ भी अपलोडेड है, कैप राउंड के ऑफिशियल MHTCET के कट ऑफ भी अपलोडेड है, ऑफिशियल जो 1000 पेज की PDF होती है, सब चीज़ें ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सारी कट ऑफ भी अवेलेबल है। जस्ट आपको पेड कंटेंट भी मिल जाएगा, अगर आप पेड कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप पेड कंटेंट भी परचेस कर सकते हो, बाकी बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, डॉक्यूमेंट्स फ्री में है, ऑफिशियल कट ऑफ फ्री में है, स्पॉट राउंड के कट ऑफ भी फ्री में अवेलेबल है, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करके रखना गाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, अगर कोई भी नेक्स्ट अपडेट आती है तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो और वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियोज़।